रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ, थोड़ा सा थकी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैरियत होंगे। तो भाई मेरे दूसरे चैनल पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उमरा जो वो लोग गए हैं, वो उमरा एक्चुअली प्रमोशन वाला पैकेज था। और जिन जिन लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा, जाके देख लीजिए, मैंने सवेरे ही आज वीडियो अपलोड कर दिया था। अब बात करते हैं शेरू भाई और नाज़िया के बारे में, नाज़िया पे के बारे में। देखो कल के ब्लॉग में शेरू भाई के आप लोगों ने देखा होगा कि अम्मी की उम्रा जाने की खुशी वाला ब्लॉग में कि शेरू भाई जो है तरवेज़ के साथ खेल रहा था। अच्छी बात है, बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए, उनका मन लगा रहता है। इब्बू के साथ मैं भी कभी कभी खेल लेती हूँ, गुल्लू भी खेलती हूँ, उसके अब्बा भी खेलते हैं। कभी कभी मैं छोटे छोटे क्लिप भी डाल देती हूँ खेलने का जो भी है। सो शेरू भाई जो मुरमुरा का पैकेट, मुरमुरा या फिर नमकीन जो भी चीज़ है, वो आई डोंट नो उस पैकेट के अंदर क्या था, बट सॉल्टेड चीज़ था, नमकीन चीज़ था। मेरा कहने का मतलब ये है, जो ऐसे टाइप के पैकेट्स होते हैं, जो रैपर का जो एजेस होते हैं, कोना जो होता है, वो बहुत नुकीला होता है, वो छुपता है। उनको इतना तक, दो बच्चों का बाप है वो या फिर माँ सामने खड़ी थी, उनको इतना तक नहीं है। ठीक है, बाप बेटे खेलते हैं, मेरे अब्बू भी उसका अक्सर खेलते हैं, बैट लेके, बॉल लेके, हर चीज़ लेके खेलते रहते हैं। परसों की बात है, हर तीन दिन पहले की बात है, वो बैट लेके जो है तलवार तलवार खेल रहे थे। बार में बार बार पीछे से बोल रही थी, लगेगा लगेगा अब्बू को लगेगा। वो रील भी मेरे ब्रेन वाले चैनल पे पड़ा हुआ है। तो उनको ये समझना चाहिए था कि वो पैकेट जो ऐसे फेंक फेंक के मार रहे हैं तरबेज के मुंह पे, वो एज लग सकता है। वो बेबी स्किन है, बहुत नाजुक है, माँ सामने खड़ी थी, माँ ने एक बार भी नहीं बोला। ये उनके बच्चों का जो है परवरिश है। पूरे व्लॉग में जो है ऐसे वो बच्चों को पालते, वैसे बच्चों के ऊपर तो उनका कुछ खास ध्यान नहीं रहता। इससे पहले वाले व्लॉग में, इनफैक्ट काफ़ी व्लॉग में जो है वो दूध का बॉटल का ढक्कन खुला, दूध का बॉटल के ऊपर कवर भी नहीं है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया कि भाई वीडियो बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा बच्चों पे ध्यान देना। बच्चों पे ध्यान देना फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारे बच्चे होते हैं, हमारा शौहर होता है, हमारा घर होता है, उसके बाद अर्निंग होती है। फैमिली नहीं रहेगा तो अर्निंग का क्या ही फ़ायदा, अकेला पेड़ तो कुत्ता भी पाल सकता है कि नहीं है। लेकिन उनको जो है ना बच्चों के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं है। यूसुफ़ का तो कल के वीडियो में 10 मिनट तो यूसुफ़ की तारीफ़ की, यूसुफ़ को ये आ रहा है, यूसुफ़ को वो आ रहा है, यूसुफ़ को फलाना आ रहा है, यूसुफ़ को ढिलका रहा है। इतना तारीफ़ तो मैं अपने बच्चों का, मैं तो वैसे भी अपने बच्चों की तारीफ़ उतना खास कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे माँ बाप के सामने कुछ होता और होते और माँ बाप के पीठ पीछे कुछ और होते। और आज बच्चे पढ़ाई में अच्छे, दैट डजंट मीन कि हमेशा बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहे। उम्र के साथ साथ बच्चों की मेंटालिटी, बच्चों की आदतें भी चेंज हो जाती है। और मुझे लगता है बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए मदर, हमको बच्चों को स्कूलिंग के साथ साथ हमारी जो दीनी चीज़ें हैं उसको, उसका भी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। यूसुफ़ को आप जब भी देखोगे वो गाड़ी लेके खेलता रहेगा, नहीं तो मोबाइल लेके बैठा रहेगा। कल भी अपने माँ का मोबाइल ले लिया तो अपने बाप को बोल रहा था कि मुझे ये जो है गेम डाउनलोड करके दो, वो गेम डाउनलोड कर दे। तुम्हारे बेटे को रैंक सा था, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे बेटे को नंबर्स था, तो वेल डन, वेरी गुड। एंड तुम्हारे बेटे को नंबर्स के साथ साथ जो है ना वर्ड्स भी आता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुम्हारे बच्चों को अरबी का, तालीम, नमाज वगैरह, क्योंकि अभी वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। वो अभी जो है ना, अभी यूसुफ अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, तरबेज जैसे उम्र का नहीं है या फिर आज़म जैसे उम्र का नहीं है, अभी वो 4-5 साल का माशाल्लाह से हो गया है। तो उसको अभी क्या होना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो है महामीर और मुझे बोलती है, या फिर मेरे गुनू, तो खैर उसके लिए तो आलिमा, उसकी 1वीं सालिमा अरबी के लिए तो वही कराती है अरबी का, जो भी है नमाज वगैरह पढ़ाना या जो भी है दुआएं वगैरह। मुझे इतना अच्छे से आता नहीं, अगर आता तो मैं डेफिनेटली उसको कराती। महामीर भी मैं देखती हूँ, और मुझे मेरी दोस्त जो है महामीर, आप लोग जानते हो, मीरा भी सुनाती है। जब फ़ोन पे हमारी बात होती है ना, तो मीरा भाके सुनाती है, वो कबर्ड में डालो कि आयाते वगैरह जो भी सारी चीज़ें ना, दुआएँ वगैरह, महामीर वो ख़ुद से सिखाती है। मुझे नहीं आता है सब कुछ प्रॉपरली, तो इसलिए जो है मैं अपनी बेटी के लिए टीचर रखी हूँ। तो अभी से उसको दुआएं वगैरह सिखाना ज़रूरी है, पानी पीने के लिए कौन सी दुआएं है, सोने के लिए कौन सी दुआएं है, सोने के बाद कौन सी दुआएं है। तो ये सारी छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, वो सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो किताबी नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, पैसे कमाने के लिए, पेट पालने के लिए, लेकिन साथ ही साथ अपना रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए। वो बच्चा इतना ज़िद्दी है, इतना ज़िद्दी है, अभी से ही इतना ज़िद्दी है। अब उतना छोटा भी वो रहा नहीं, 4-5 साल का हो गया, वो सब कुछ समझता है, उसका हर ज़िद वो लोग पूरी करते हैं। वो ब्लैकमेल करता है तो उसके माँ बाप जो उसके आगे हार मान लेते हैं। पूरा दिन या तो आपको गाड़ी को लेकर खेलते हुए देखोगे स्कूल से आने के बाद, बहुत कम ऐसा होता है, रेयर टाइमिंग में जो
है ना उसको पढ़ाई करते हुए देखोगे, लेकिन इस मामले में जो है ना उज़्मा बहुत अच्छी है, मैं ये चीज़ कहूँगी। देखो किसी किसी चीज़ का, किसी किसी इंसान का कुछ कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आती, दैट डजेंट मीन के वो इंसान पूरी की पूरी ख़राब है। नाज़िया आपा की ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि उज़्मा की पढ़ाई, ट्यूशन, अरबी, हर चीज़ जो है नाज़िया आपा ध्यान रखती है, साथ साथ वो व्लॉगिंग भी करती है। हाँ कुछ कुछ चीज़ उसकी मुझे पसंद नहीं आती, लेट से उठना, पति से काम करवाना, लेकिन हर कोई परफेक्ट नहीं होता भाई, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ पर उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं कंपेयर कर रही हूँ एक ही घर के बच्चों के अंदर, ऐसे कि मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ इब्बू और गुनू में, और मैं हमेशा मेरे जो दोस्त हैं इन लोगों से बात होती है तो मैं इब्बू की कंप्लेंट करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इब्बू से ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट ऐसा नहीं है, वो छोटा है और हर घर में छोटे का थोड़ा ज़्यादा लार होता है, बट मैं उसको उतना मारती भी हूँ और उतना रोकती टोकती भी हूँ, लेकिन हमेशा अगर बात तारीफ़ की आती है तो बात अनम की मैं तारीफ़ करती हूँ, गुनू की मैं तारीफ़ करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत समझदार है, इनफैक्ट व्लॉग में भी मैं बोलती हूँ। तो यही चीज़ है कि वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसको कहा अरबी में भेजोगे, कहा तिली तालीम दोगे, कहा दुआएँ वगैरह सिखाओगे, नमाज़ें पढ़ने का तरीका सिखाओगे कि भाई ठीक है तुम लोग के घर के पास शायद मस्जिद नहीं है, तुम लोग घर पे भी मर्द लोग नमाज पढ़ सकते हैं, सच कुछ नहीं है कि भाई मस्जिद नहीं है पास तो घर पे नहीं पढ़ सकते, उसको अपने साथ खड़ा करो, उसको दिखाओ यूसुफ ये देख ऐसे हाथ बांधते हैं, ऐसे रुकू में जाते हैं, ऐसे सजदे में जाते हैं, ऐसे दुआएं करते हैं, रुकू में जाओ तो ये वाला वो पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें काम होता है माँ बाप का सिखाना, लेकिन उनके घर में ना एक ही चीज़ आप लोगों को मिलेगा, वो है बस व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, व्यूज़ और पैसा, और पैसों के लिए जो है ना वो फालतू चीज़ों के कंटेंट भी जो है क्रिएट करते, जैसे कि वो शावर वाला, ठीक है हर चीज़ तो तुम लोग जो है ऑनलाइन ही मंगाते हो, हर चीज़ मोस्टली जो है मैंने देखा स्टीमर से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन मंगाते हो, बैटरी तक ऑनलाइन मंगाते हो, तो गार्डनिंग के लिए वो जो चीज़ चाहिए था वो भी जो है ना फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट में तो गार्डनिंग के लिए सब्जी बोलो, फूल बोलो, फल बोलो, हर चीज़ का बीज भी अवेलेबल रहता है, तो वो चीज़ भी तुम फ्लिपकार्ट से मंगा सकते थे, लेकिन तुमको कंटेंट चाहिए था, कंटेंट के लिए जो है तुम बाहर जाके जो है थोड़ा बहुत फालतू की उल जुल चीज़ें करके तुमको वीडियो बनाना है, व्यूज़ चाहिए ना, तो व्यूज़ के लिए हर चीज़ के लिए जो है तुमको कंटेंट तो क्रिएट करना ही है। जैसे कि नाज़िया आपा, उनको पहले उसको हर चीज़ की ना बहुत घाय रहती है, वो अपनी फैमिली के साथ जो है ना कंपीट करती है, उसको घर लेने की बहुत ज़्यादा घाई थी, पहले घर लेने में भी उससे बहुत घाई की, इससे पहले भी एक गाड़ी ली जो उसके पसंद नहीं थी, फिर वो भी उसको सूट नहीं हुआ, अभी भी बहुत घाई घाई में गाड़ी ले रही, क्योंकि उसको पता है कि उसके माँ और भाई उमरा से आने के बाद वो लोग अब गाड़ी लेंगे, तो इससे पहले मैं ले लूँ, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो है ना क्लैशेस चल रहा है, क्योंकि मुमताज़ आंटी उमरा पे गई, ठीक है यूजुअली मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, इनफैक्ट मैंने जो है गोल्डन ग्रुप वाले लोगों को भी देखा है कि वो लोग जब उमरा पे जाते हैं या फिर बड़े पीर सरकार के घर पे भी जाते हैं, अभी कुसुम आंटी को ही देख लो, रिहाना आंटी को भी देख लो, कुसुम आंटी के साथ तो खैर मेरी एक माँ बेटी का रिश्ता है, अल्लाह उनकी जो है ना मैं तो बोलती हूँ सारी सारी दुआएं जो है और सारी जो बोलते हैं जायश मतलब जायज़ ख्वाहिशें जो है वो पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन, उस लेडी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। खैर जो भी है, हाँ तो बहुत सारे लोगों को देखा आस पड़ोस के बोलो या फिर यहाँ पे भी मेरे घर के ऑपोजिट वाला घर चौधरी का घर, वो लोग उमरा पे गए थे तो बरा करके फंक्शन किया था, लोगों को बुला के खाना वाना खिलाना, एक मतलब गेट टुगेदर उनका हुआ था, हार वगैरह पहनाए जाते हैं, फिर मिठाई वगैरह खिलाए जाते हैं, वही सब चीज़ होता है। लेकिन आंटी जी जो है उमरा पे गई, ना बेटी आई, ना बेटे के ससुराल से कोई आई, ना छोटी बेटी आई, ना घर पे रसम हुआ, रसम हुआ भी होगा तो घर में जाते टाइम हुआ होगा जो आज के ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा, बट ऐसा होता है ना कि इनकी इतनी सारे रिश्तेदार हैं, मामा है जो रियाज के शादी में आए थे, जिनकी शादी में आए थे, मौसी है, सब है भाई, ये जो है ना अभी गायब है, जुमांगी के टाइम पे पाँच पाँच जुमांगी तो तुम लोग कर सकते थे, लेकिन उमरा के टाइम पे जो है ना माँ और भाई जाते टाइम जो है मतलब कल के व्लॉग में दिखा गया ना कि उमरा के एक दिन मतलब आज वो लोग उमरा के लिए निकल रहे हैं, सो आज अगर उमरा के लिए निकल रहे कल के व्लॉग तक तो कुछ भी सच नहीं हुआ, जो भी हुआ आज हुआ होगा, जो मतलब कि परसों का व्लॉग था शायद, जो भी है जिस दिन वो निकल रहे उस दिन शायद थोड़ा बहुत कुछ होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। तो इससे पता चलता है कि इनके रिश्ते जो है ना वो कितने अच्छे हैं, ये जो दिखाते हैं ना कि हम साथ साथ वाले, मैं हमेशा बोलते हैं हम साथ साथ वाले फैमिली, क्यों बोलते हैं क्योंकि ये लोग बहुत दिखावा करते हैं फैमिली का, देखो फैमिली सबकी होती है, सबकी होती है, लेकिन इतना दिखावा कोई नहीं करता है।
ऐसा कोई है नहीं कि हम अनाथ पैदा हुए अकेले दुनिया में आए। आदम अलैहि सलाम ने क्या, अकेले इंसान ने जो दुनिया में, हमें माँ बाप से ही निकले हैं। और चलो मेरे माँ बाप तो मेरे से नाराज़ है, लेकिन मेरे ससुराल वाले भी, और मेरे ससुराल वालों को भी काफ़ी बड़ी फैमिली, लेकिन इतना दिखावा हम नहीं करते। जो रियल है, नहीं बनती नहीं बनती, नहीं जाते नहीं जाते, पति के साथ बनती पति जाते जाते। तो ये सारी चीज़ें जो रियल है, जो फैक्ट है ना, वो हमेशा मुझे लगता है ना वो दिखाना चाहिए और वो बताना चाहिए, सच बताना चाहिए। क्योंकि मैं झूठ बोल के एक दिन आपसे छुपा लूँगी, दो दिन आपसे छुपा लूँगी, तीन दिन आपसे छुपा लूँगी, रोज़ रोज़ नहीं छुपा सकती भाई। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में जो झूठ फैलाते हैं, लेकिन जो दिमागदार लोग हैं वो रोज़ मुझे देखते हैं, दोनों चैनल पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं झूठी होंगी तो वहाँ से पकड़ लेंगे, और अगर मैं सच्ची होंगी तो जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहे उनको ही गाली देंगे कि ये तो झूठ बोल रही है, इसका तो ये हम दोनों चैनलों में देखते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि दोनों चैनल में मेरी वीडियो आती है। तो मुझे लगता है अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आपको सब कुछ सच सच बताना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल ज़माना है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपता है, कुछ भी नहीं छुपता है। इंसान के गले मुर्दे भी, पहले के ज़माने में न्यूज़ चैनल वाले भी 90s 80s 2000 के इतने तेज़ नहीं थे, अभी के डिजिटल ज़माना जितना तेज़ है, अभी तो पल पल की खबर इंसान की, कहाँ जा रहे, कहाँ बैठ रहे, कहाँ उठ रहे, कहाँ खा रहे, सबको मिल जाती है। एक टाइम ऐसा था जब सम्मू के साथ मेरी लड़ाई थी, तो पाकिस्तान की एक यूट्यूबर को सम्मू ने खड़ा किया था मेरे बारे में बहुत गलत सलत अनसन बकने के लिए, और उसने बका भी बहुत अनसन बका, लेकिन उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने ये तो बोला था कि मेरी बेटी का बाप कोई और है, कोई बंगाली है, पता नहीं क्या है, मैं कोठे से बक गई, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज तक 1.5 साल हो गए इस चीज़ को, ना मेरी बेटी का बाप आया, कौन सा बाप है उसको ही पता है, मेरे को नहीं पता भाई। मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट में भी इद्रीस अली का ही नाम है। खैर, जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब किसी को अगर एक औरत को डिफेम करना है तो उसके करेक्टर के ऊपर जाओ, उसकी फैमिली के ऊपर जाओ, बस वो औरत को जो है ना बदनाम करने के लिए काफ़ी होता है। और आजकल के ज़माने के जो लोग होते हैं वो तो जो कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें होती है उनको वही सारी चीज़ें पसंद आती है। लेकिन उससे तो बोल दे उस टाइम पे मेरे को जो है ना कमज़ोर करने के लिए, उसको लगा कि मेरे बारे में ये सब बोलेगी तो मैं मुंह बंद कर लूँगी, ऐसा वैसा। लेकिन आज तक 1.5 साल हो गए भाई, डिजिटल ज़माना है ना, मेरा पहला पति कौन है मुझे नहीं पता, उसको पता है, खैर उसको पता है तो अच्छी बात है, पाकिस्तान में बैठ के ना वो आया और ना ही मैं कौन से कोठे में थी, उसमें से कोई ग्राहक आया। तो यही सारी चीज़ होती है कि झूठ जो होता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वक्त बड़ा बलवान होता है, वक्त अपना जवाब जो होता है ना वो देता ही है। और जिन लोगों को लगता है ना कि ऐसे झूठ बोल के, ऐसे अफवाह फैला के तुम किसी को डिफेम कर पाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है। पब्लिक को जो है ना लॉजिक की बातें बहुत समझ में आती है, उसमें से शायद 100 में से 10 लोग आपको जो है ना आपको सहमति दे भी देंगे जो कम दिमाग के होंगे, लेकिन बाकी 90 लोग जो है ना वो लॉजिक ही ढूंढेंगे, कंक्लूजन ही ढूंढेंगे। तो जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, वो मुझे लगता है कि सच, मतलब सच बोल के ही चलना चाहिए, क्योंकि झूठ की जो उम्र होती है ना वो लंबी नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इससे बेटर है कि सच के साथ ही चलो, जो भी सारी चीज़ें खुल्लम खुल्ला बोलो, अपनी लाइफ को खुल्लम खुल्ला रखो, ताकि आपसे लोगों को कनेक्ट होने में जो है ना मुश्किल ना हो, और जो भी आपसे कनेक्टेड हो वो सालों साल तक रहे। ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो स्टार्टिंग डेज से अब तक है, मैं उनका नाम पढ़ती हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है कि यार ये तो कल की बात है। राना यास्मीन बोल के मेरी एक सीस है जो स्टार्टिंग से मुझे देख रही है, कमेंट बहुत कम करती है, लेकिन मुझे कमेंट करती है लेकिन काफ़ी कम करती है, लेकिन उनका नाम मुझे याद है क्योंकि स्टार्टिंग से मैं उनको रिप्लाई दे रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ऐसे लोग जब मेरे साथ रहते हैं स्टार्टिंग डेज से। और मुझे लगता है कि मैं अगर गलत होती है छोटी होती तो 1.5-2 साल से मैं, ये बकरीद भी मेरा 2 साल कंप्लीट होके 3रा साल चालू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग पकड़ ही लेते। सो वही सारी चीज़ें होती है। तो यही है कि ये लोग जो उम्रा पे जा रहे हैं ना, फ्री का उम्रा मिला है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पे इब्राहिम फैमिली ब्लॉग्स में जाके देख लेना। उम्रा में जाने की बहुत सारी तैयारी होती है, कहाँ दुआ, मतलब दुआ याद करनी होती है कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि इनको तो इस्लाम की नॉलेज नहीं है। कल ही मैं कन्फर्म हो गई, क्योंकि बुज़ुर्ग औरत होकर बोल रही है कि हज और उम्रा में आप अकेले भी जा सकते हो, हालाँकि हज और उम्रा के लिए औरत के साथ महरम रहना ज़रूरी है, चाहे वो महरम बाप हो बेटा हो।
भाई हो या फिर पति हो, लेकिन वो बोली कि आप अकेले जा सकते हो, अकेले सिर्फ मर्द जा सकते हैं, औरत नहीं जा सकते। तो यहाँ से समझ में आता है कि उनको इस्लाम का कुछ खास नॉलेज नहीं है, और ना ही उनको जो है ना उनको सोते हुए आप दिखोगे, बैठे हुए गप्पे मारते हुए हाहा ही दांत फाड़ के जो है ना हंसते हुए दिखोगे, लेकिन नमाज पढ़ते हुए अल्लाह का जिक्र करते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों को वो दिखाई नहीं देंगे। इनफैक्ट बहुत सारे काफ़ी ऐसे लोग मुसलमान मुंबई के, मैं पूरा नहीं बोलूँगी, पूरा बोलना गलत होगा, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन ये वो लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये सब टेम्पररी है, हम बाहर के इंसान हैं, किराएदार हम इस दुनिया में, ये जो है ना ये मेरा किराए का शरीर है, रूह निकाल देंगे ना तो मुंह भी मेरा नहीं चलेगा ना आँख खुलेगा, आँख खुलेगा तो खुला ही रहेगा, बंद भी नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि ये घर, ये पैसा, ये बाइक, ये गाड़ी, ये कुछ भी नहीं जाएगा साथ, अपने साथ एक ही चीज़ हम लेके जाएंगे, वो है अमाल। तो दुनियाई ज़िंदगी के साथ साथ जो है ना दीनी ज़िंदगी को भी जीना बहुत ज़रूरी है, अपना अमाल सही करना ज़रूरी है। बेशक अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ऐसा कोई काम ना करो जिसका कोई माफ़ी ना हो, यानी कि शिर्क। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना शिर्क की तरफ भी जा रहे हैं ये लोग, इनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, और बाकी जो है पैसों से ही जो है ना वो लोग जन्नत में जो है ना प्लेसमेंट खरीद सकते, बट ऐसा है नहीं। ये इतनी भागम दौड़ की ज़िंदगी में ये भी भूल गए कि हम कौन से कौम से बिलोंग करते हैं, हमारे कौम का क्या एम है, क्या मतलब कि रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें भूल गई है। और वैसे भी उनका जो क्लास है ना वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नूर जो है ना हमेशा कुछ भी खरीदे वो चेंज करती रहती है, जैसे कुछ दिन रोमपर, दो दिन पहना है, दो व्लॉग में वो रोमपर हमने देखा, फिर उसको पहना बना के उसको चेंज करने के लिए बोल रही थी, फिर वो जो आयरन स्टीमर ठीक है उससे स्टीम करके चेक किया, उसका जो ब्रश है ना वो बैंड कर दिया, उसके बाद उसको भी रिटर्न करके पैसा ले लिया। फिर कल परसों की बात है जब शेरू भाई ने वो लाया था शावर, हार्डली दोनों मिला के 100 रुपये का सामान होगा, उसको भी चेंज कराने की बात करें, उसको 20 रुपये का पेट्रोल जला के जाओ जाके उसको चेंज कर दो। तो मुझे लगता है कि ना अपना फ़ायदा देखना चाहिए, नो डाउट डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, माँ बेटे के नहीं है, तो मुझे लगता है कि अपने बारे में सोचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि आगे वालों को भी हमारे तरफ से जो है कोई नुकसान ना हो, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि इसका जवाब हमको देना पड़ेगा ऊपर जाके, ठीक है। साथ ही साथ ये आप ये देख लो कि इनको कहाँ से बुरा लगेगा कि लोगों के पैसे जो इनके वजह से डूबा है, क्योंकि इनको तो प्रमोशन करना था, और इनको या क्या पता वो ऐप जो है फेक ऐप है वो भी इन लोगों का ही हो एक चाल पैसे कमाने का। बहुत सारे लोग जो है ना उसको देख के जो है ना पैसे अपने डाले हैं, लेकिन वो पैसे उनको वापस नहीं मिले हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझते हैं, लाखों लाखों रुपए भी ऐसे भी कमेंट है। तो भाई तुम्हारे 100-150 का रोमपर, 100 रुपए का वो शावर या फिर वो आयरन जो स्टीमर जो भी 1000-2000 का वो लॉस में जाए तो तुमको इतना बुरा लग रहा है, तुम तुरंत जो रिटर्न करवा दे रही हो, और लोगों के लाखों पैसे डूबे हैं, तुम लोग तो घर बैठे यूट्यूब से कमा रहे हो, लोग ना जाने कहाँ कहाँ जाके धूप में, सर्दी में, गर्मी में कमा रहे जो उनका पैसा डूबा, उसमें तुम लोग को बुरा नहीं लगता, तुम लोग को सिर्फ अपने लिए बुरा लगता है। और जाहिर सी बात है भाई, ये अपने बाप, कोई भी बच्चा, कोई भी पर्सन जो है ना इनके अब्बा का जिक्र तक नहीं करता, उनके अब्बा का जिक्र करना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि इस उम्र में जो है आज अगर ये लोग ज़िंदा है और अगर ये बड़े हुए हैं तो बाप के बदौलत बड़े हुए हैं, बाप ने उस ज़माने में अपने मेहनत का कमाई जो है ना का मतलब मेहनत करके कमा के इन लोग को खिलाया पिलाया बड़ा करा, और आज जब बेटे काबिल बने तो बाप को भी नहीं पूछते, बाप का जिक्र तक नहीं करते। तो जो औलादे जो लोग अपने माँ बाप के नहीं हुए वो किसी और का क्या होंगे, जो फैक्ट है हमने अपने अब्बा को छोड़ दिया। लेकिन आप यकीन मानो मेरे व्लॉग जो लोग देखते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा जिक्र करते रहती हूँ मेरे माँ बाप की, हमेशा तारीफ करते रहती हूँ जो मुझे जो है ना अपब्रिंगिंग मिली है, जो सारी चीज़ें मैं हमेशा उनके जिक्र करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल तड़पता है, मैं तड़पती हूँ उनके पास जाने के, लेकिन बहुत सारे रीजन्स की वजह से मैं नहीं जाती। ऐसा नहीं कि मेरे बाप मुझे घर से लात मार के भगा देगा, फिर मेरा भाई उसमें नहीं देगा। अभी एक साल पहले की बात है, मेरे भाई बोल रहा था जब हमारा मियाँ बीवी को बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, तो भाई बोल रहा था देख हम दाल चावल खाएंगे तो आ जा वहाँ से, तो निकल जा, मेरे अब्बा बोल रहे थे पीछे से चिल्ला रहे थे वो लोग तुझे मार देंगे। एक होता है ना कौम का, एक मज़हब का एक फेयर रहता है, बहुत सारे लोगों को रहता है। सो मेरे अब्बा पीछे से बोल रहे थे उसको बोल वो लोग उसको मार देंगे ऐसा वैसा, मैंने बोला नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गलत है वो गलत है, मेरा पति ऐसा कभी नहीं करता भाई। हाँ लड़ते हैं झगड़ते वो अलग बात है, लेकिन जो वो लोग सोचते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे हस्बैंड।
कहीं ना कहीं मैं तड़पती हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन नूर के मुँह से एक शब्द नहीं निकलेगा अपने माँ बाप का कभी भी। गलती से भी बातों बातों में निकल जाता है ना कि बचपन में हमने ये किया था, मेरी मम्मी ने वो किया था, बातों बातों में निकल जाता है, लेकिन उसके मुँह से कभी नहीं निकलता ना शेरूर यस इनके मुँह से निकलता है। तो जाहिर सी बात है जो अपने माँ बाप के ना हुए वो किसी और के क्या होंगे। ये मनी माइंडेड लोग हैं, ये मैनिपुलेटिव लोग हैं, ये अपने हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ये अपने हिसाब से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं, सिचुएशन को मोल्ड कर लेते हैं और ख़ुद बेचारे बन जाते हैं और अगले वाले पार्टी को जो है ना ये लोग अत्याचारी बना देते हैं। ये जो है ना ये बहुत डार्क माइंडेड लोग हैं, मतलब बहुत काले दिमाग के, डार्क हार्टेड लोग हैं, बहुत काले दिल के लोग हैं। इनका मतलब कि इनके साथ मतलब कि डील करना बोले तो बहुत मुश्किल काम है। ये कोई नॉर्मल इंसान का ये चुटकी में बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन अभी अभी जो है ना थोड़ा लोगों को भी अवेयरनेस आ रहा है, इनके हरकतें देख के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये किस किस्म के लोग हैं और ये जो है ना इनके लेवल किस किस्म का है। और आंटी जी से मैं एक ही बात बोलूँगी कि आंटी जी उम्रा करके आने के बाद दोनों साइड के जो झूमर है वो निकालना बंद करो, डार्क लिपस्टिक लगाना बंद करो, कुछ दिन जो है वीडियो खेलना बंद करो, 40 दिनों तक अल्लाह की इबादत करो, थोड़ा पर्दे में रहो, क्योंकि आप उभरा करके आई हो। थोड़ा सा जो है ना अपनी ज़िंदगी में दीनी चीज़ों की तब्दीली लाओ, अपने साथ साथ अपनी औलादों की और अपने जो है ना नवासे नवासों की और पोतों की भी जो है ना ज़िंदगी में थोड़ा दीनी चीज़ों को जो है ना इन्फ्लुएंस ज़्यादा करो, क्योंकि अल्लाह हर किसी को नहीं बुलाता है। तुमको अगर बुलाया है चाहे प्रमोशन के नाम पे ही सही, लेकिन अगर तुमको बुलाया है तुम किस्मत वाली हो तो उस चीज़ का शुक्रगुजार मान के, एहसान मान के अल्लाह का जो है ना अपने हाव भाव रंग ढंग जो है उन सब चीज़ों को जो है ना वो अभी थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि तुम्हारे लिए दुनिया और ज़्यादा दिनों तक नहीं है, जो फैक्ट है 30-40 ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो बोलती मेरी उम्र भी तुमको लग जाए भाई, क्योंकि तुम किसी की माँ हो और माँ भले ही जितनी भी बुढ़ी हो जाए बच्चों के लिए बहुत कीमती रहती है। मुझसे बेहतर भी माँ की औलाद कौन जान सकता है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं इतना ही बोलूँगी कि अभी तुम्हारा आखिरत जो है उसको सोचने की बारी। चैनल तो मिलियन तक तो नहीं चली गई हो और चैनल में काम तो करना ही है, डेफिनेटली काम करना, क्योंकि तुम काम करके कमाओगे नहीं तो तुमको दिन ना मैं आऊँगी ना सब्सक्राइबर फोकट में आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दीनी चीज़ों में भी जो है अपनी लाइफ को ढकेलो तो ये आपके लिए अच्छा है। बाकी मैं भी गुनाह करती हूँ दिन भर, मैं भी अस्तगफार पढ़ती हूँ, मैं भी माफ़ियाँ मांगती हूँ अल्लाह से, हर मोड़ पे माफ़ी मांगती हूँ, हर मोड़ पे अस्तगफार पढ़ती हूँ, क्योंकि कब मेरी रूह अंदर से निकल जाए, कब मेरी सांस ख़त्म हो जाए बोल नहीं सकती। सो इट्स बेटर, मेरी एक बहन है आसमा मंजोतिया नाम की, उन्होंने मुझे बोला था कि हर बात पे आप अस्तगफार पढ़ा करो, एंड मैं पढ़ती भी हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से जब से मैंने अस्तगफार पढ़ना स्टार्ट किया मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई है। और बाकी मेरे यूट्यूब के कुछ बहनें माएँ ऐसी भी है जो मुझसे बहुत प्यार करती, मुझे बहुत दुआएं देती है और बहुत प्यार भी देती मेरे बच्चों को और मुझे। कहीं ना कहीं आपकी दुआएं भी मेरे साथ है, मुझे पता है, और इसी दुआओं की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों से मैं निकल भी आती हूँ। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। दुआ की दरख्वास्त है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करके अपना ओपिनियन